तो दोस्तों आ गया हम एक बार फिर से रिफर्बिश्ड लैपटॉप की अनबॉक्सिंग लेकर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाजार की तरफ से आता है। तो आखिर इस बॉक्स के अंदर, पैकेज के अंदर क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी रिफर्बिश्ड लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। तो चलिए इस पैक की अनबॉक्सिंग फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक बाजार की तरफ से आने वाले रिफर्बिश लैपटॉप का बॉक्स कुछ इस तरह से आता है, जहां फ्रंट साइड पर मेंशन होता है 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी का लोगो, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार रिन्यू योर बिजनेस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज्ड रिफर्बिशर। ये बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज्ड रिफर्बिशर हैं, और ये ओल्ड लैपटॉप रिफर्बिश लैपटॉप पर भी 1 ईयर की वारंटी देते हैं, जो कि टू गुड पे भी देखने को मिलता है। लेकिन उनसे काफ़ी मुझे अच्छी लगी इनकी सर्विसेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जो लैपटॉप मंगाया था उसमें मुझे अडेप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया था, तो विद इन 1 वीक मुझे सॉल्यूशन मिल गया था। बात करें अगर इस साइड की, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। इस साइड में आप देख सकते हैं सर्टिफाइड रिफर्बिशर और लैपटॉप का लोगो है। बॉक्स की इस साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडल है उसका मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है, रिफर्बिशर और सेलर का नाम, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और कब ये रिफर्बिश करके पैक किया गया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं स्क्रीनशॉट इसका डिस्प्ले पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो। तो अब बारी है बॉक्स को ओपन करने की, तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं। हालाँकि ये मैंने पहले ही ओपन कर रखा है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आप मंगाते हैं तो डैमेज ना निकले उसकी वजह से उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो करनी होती है, तो मैंने पहले ही कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बॉक्स के अंदर मुझे मिला है। ये आप देख सकते हैं एक पावर केबल जो कि अडेप्टर के साथ आता है, और ये एक HP की तरफ से आने वाला ओरिजिनल पावर अडेप्टर जो कि ओरिजिनल ही मिला है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। ये है इलेक्ट्रॉनिक बाजार की तरफ से आने वाला इनवॉइस, मैं स्क्रीनशॉट इसकी भी दे दूंगा, आप देख लेना। और फाइनली फ्रेंड्स, ये एक पैकेज मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के साथ आता है। और फाइनली फ्रेंड्स, ये है हमारा लैपटॉप जो कि रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक बाजार की तरफ से आता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा फाइनली हमारा लैपटॉप जिसका इंतज़ार था। देख सकते हैं कंडीशन वाइज काफ़ी ये अच्छा देखने को में लग रहा है। बैक साइड की अगर बात करें, तो ये भी इस तरह से देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से इसकी फिजिकल ओवरव्यू मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों बात करें अगर इस साइड की, तो यहाँ पे एक लैन पोर्ट देखने को मिलता है, और एक यहाँ पे आपको VGA केबल मिलता है, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक डी पोर्ट देखने को मिलता है, और 2 USB केबल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बैक साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पे बैक साइड इस तरह से देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पोर्ट है, उसके अलावा CPU फैन का ग्रिल है, यहाँ पे एक मिनी USB और एक USB केबल, यहाँ पे आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और थोड़ा सा अगर डाउन करके मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलेगा दोनों साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी है, और यहाँ पे आपका SSD लगा हुआ होता है, और इसके अंदर RAM है। बात करें अगर इस साइड की, तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, एक पावर इंडिकेटर है, एक बैटरी इंडिकेटर, और एक वाईफाई, और एक नॉर्मली ऑन ऑफ इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है इस लैपटॉप के लीड को ऑन करने की। तो ये मैंने लीड को ओपन किया, और आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, बिल्कुल नया जैसी, एक भी स्क्रैच नीचे से तो देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर की अगर बात करें, तो ऊपर से भी कंडीशन इसकी बहुत ही अच्छी है, मतलब एक माइनर स्क्रैच एक दो अगर छोड़ दिया जाए, तो एक भी स्क्रैच यहाँ देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लैपटॉप के साथ, लैपटॉप के अंदर में एक बायर्स टेस्ट सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें टेक्नीशियन का नाम और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, उसका डेट, कब इसे इस पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया गया है, और कब इसे पैक किया गया है, और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करके इसे सर्टिफाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें इस पेपर में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बात करें फ्रेंड्स अगर फिजिकल ओवरव्यू की, फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे लाइट बुक मेंशन आपको देखने को मिल जाता है, और ये है टच पैड, यह है राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक बटन, जो कि दो दो मिलता है ऊपर और नीचे में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का एक लोगो लगा हुआ है। और बात करें कीबोर्ड की, तो यहाँ पे एक आपको ट्रैक पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि माउस का काम करता है, लगभग
आप देख सकते हैं ये माउस की ही तरह वर्क करता है। बात करें अगर कीबोर्ड की तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड के अंदर में लाइट जलता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ये बैकलाइट कीबोर्ड है। और नाइट में अगर आप इस कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे, तो आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कीबोर्ड की लाइट काफ़ी परफेक्ट होती है नाइट में वर्क करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, एक ये बटन जो है ऑडियो प्ले म्यूट करने के लिए है, और ये एक वाईफाई का बटन है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है। अब बात करें फ्रंट साइड में डिस्प्ले साइड की, तो यहाँ पे आपको एक HP का लोगो देखने को मिल जाता है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है, और बगल में कैमरा एक सेंसर दिया हुआ है। दोस्तों बात करें अगर इसके विंडोज़ की, तो ये विंडो 10 प्रो एजुकेशन ट्रायल मोड में ये लैपटॉप आता है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो आप देख सकते हैं 82% पे ये 7 आवर 8 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे बैकअप आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो लिख रहा है इतना तो नहीं देता है, लेकिन 3 से 4 घंटे बैकअप की गारंटी होती है इस रिफर्बिश्ड लैपटॉप के साथ। अब मैं आपको फटाफट से इसकी कैमरा क्वालिटी आपको चेक करा देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कैमरा वाले ऑप्शन में जाके कैमरा ओपन करेंगे तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं फुल मोड में, और कैमरा की क्वालिटी ये आपको देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब मैं आगे आपको इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी फटाफट से चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली बात करें इस लैपटॉप की प्राइस की, तो ये लैपटॉप मुझे इलेक्ट्रॉनिक बाजार की तरफ से 22,184 रुपए का पड़ा है, जिसमें 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मिली है, और बैटरी और अडेप्टर की भी 3-3 मंथ की वारंटी मुझे मिली है। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका बजट लो है, और आपको कम बजट में एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला विथ 1 ईयर वारंटी लैपटॉप चाहिए, तो आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। और आपको इस वीडियो का अनबॉक्सिंग देखकर पता चल ही गया होगा कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप की क्वालिटी कैसी होती है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय।